पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की, जिसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में हुई। चलिए अब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM के बारे में। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन एक देशव्यापी अभियान है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच से मुक्ति पाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार हेतु की गई थी। मिशन के दो कार्य क्षेत्र हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SBM ग्रामीण है, जिसकी देखरेख जल शक्ति मंत्रालय के तहत की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए SBM शहरी है, जिसकी देखरेख आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर का आकलन करने और समय पर एवं अभिनव तरीके से स्वच्छता मिशन पहल के सक्रिय कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई एक रैंकिंग प्रक्रिया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना भी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ थी, जबकि 2024 की थीम रिड्यूस रीयूज और रीसाइकिल है। चल अब जानते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में। वर्ष 2023 में सर्वोत्तम स्वच्छ शहर पुरस्कार में विजेताओं को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। बंदरगाह शहर सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया, जिसने निरंतर 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया था। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सासवड़, पाटन और लोनावाला ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 पुरस्कार प्राप्त किए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए शीर्ष 3 पुरस्कार प्राप्त किए। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। समारोह के दौरान कुल 110 पुरस्कार प्रदान किए गए। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। 2. इस मिशन के दो कार्य क्षेत्र हैं, शहरी और ग्रामीण। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।